सर प्रणाम, नमस्कार। आपका स्वागत है सर KITM कॉलेज में। धन्यवाद। जैसा कि आप आज कॉलेज में आपने विजिट किया है, शुरुआती दिनों में इस कॉलेज को शुरू करने का काम भी आप ही ने किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपने इस कॉलेज का उद्घाटन किया है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर श्री नरेंद्र भंडारी जी हमारे बीच में हैं, जो कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रहे हैं। आज जो ये हमारे 40 से 50 अलग अलग महाविद्यालयों का जो चारों डिस्ट्रिक्ट में है, आपके अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ में, इन सब की जो आज की जो अच्छी स्थिति है उसको लाने में सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और ख़ास तौर पे KITM को आज जो भी एक पहचान मिल रही है वो सर के बिना संभव नहीं थी। हमें दिशा भी दी है, हमें दशा भी दी है, और इन सब के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपका। धन्यवाद। आप कई उच्च शैक्षणिक पदों में रहे हैं और अभी आप सेवानिवृत्त हैं इस समय। आप सर किस तरह का आपको अभी महसूस हो रहा है इस नई पारी में? धन्यवाद कमल। मैं अभी आज अपने पिथौरागढ़ की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में जब मैं KITM में आया यहाँ पे, तो क्योंकि 2020 में जब मैं अपने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के रूप में कार्य शुरू किया था, तो उस समय यह आया था कि भाई जो वोकेशनल कोर्सेज अभी तक अपने स्टेट में जो वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा वो अभी जो दैट NEP 2020 का एक विजन है कि उसमें अधिक से अधिक बच्चों को ट्रेडिशनल एजुकेशन से उससे परिवर्तन करके कैंपसेस में वोकेशनल एजुकेशन ले आए। तो उसके तहत जो है पहले जो सुभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के द्वारा दो कॉलेजेस में इसको प्रयोग किया गया था, एक KITM वो PPP मोड में, एक KITM खटीमा में और एक पिथौरागढ़ में मानस में, मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। दोनों अभी अच्छा कर रहे हैं और शायद अभी पहला बैच इनका दोनों का पास आउट होने वाला होगा। हो सकता है जी, कि बच्चों के प्लेसमेंट भी हो गए सर, दो होंगे। बैच निकल चुके हैं। हाँ अच्छा, हाँ आपका तो निकल चुके, मानस में भी निकलने वाले हैं, तो बच्चों के प्लेसमेंट भी हो गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अभी जहाँ तक ये प्रश्न है कि जो वोकेशनल एजुकेशन का उसका कैरियर बहुत अच्छा, तो मेरा बच्चों के लिए जो अभी आगे भी मैं अभी सेवानिवृत्ति के बाद भी इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ, कुछ पर्टिकुलरली जो वोकेशनल एजुकेशन है वो, क्योंकि अभी भी हमारे बच्चों में जो उसके लिए माइंडसेट नहीं है कि हम वोकेशनल में जाएं, क्योंकि अपना अभी जैसे वो अपने माननीय मोदी जी कहते हैं कि आप जॉब की तलाश में मत रहो बल्कि जॉब देने वाले बनो। वो तभी हो सकता है कि जब हम व्यावसायिक शिक्षा को अधिक से अधिक आने वाले समय में प्रमोट करें और अधिक से अधिक लोग जो है व्यावसायिक शिक्षा में जाए, तो वो वाला एक जनरेशन पैदा करनी है। तो आने वाले समय में मैं उसी क्षेत्र में जो मेरा अपना संभव जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में वो मैं करना चाहता हूँ और अभी मैं उसमें अभी भी प्रयासरत हूँ। सर जैसे आपने देखा होगा कि BA, BSc, BCom और इस तरह के जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं हमारे, जो काफ़ी समय से चल रहे हैं, कई दशकों से चल रहे हैं, हमारी शैक्षणिक पद्धति जो पुरातन पद्धति थी वो स्किल से रिलेटेड थी। अभी दोबारा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल्स को आगे बढ़ाया है, बढ़ावा दिया है, विश्व में तो ये पहले से ही चल रहा है। तो आप उन ट्रेडिशनल विषयों में स्नातक और जो वोकेशनल के विषय हैं जो रोजगार परक हैं उनमें स्नातक करने को, दोनों को कैसे देखते हैं सर? नहीं, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो अपने आप में एक आधार है। अगर हम अपनी शिक्षा पद्धति को देखते हैं, प्रत्येक देश में होता है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन तो उसकी पार्ट ऑफ पार्शियल है, मतलब वो किसी भी शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। लेकिन उसके साथ क्योंकि अभी जो डिमांड है, जो जो जनरेशन जो हमारा फ्यूचर है, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें वैश्विक तौर पे, तो उसमें अभी जो समय के साथ साथ जितना विकास होगा तो उसी विकास के सापेक्ष से शिक्षा को भी बदलना है। क्योंकि जो परंपरागत शिक्षा है वो अभी आज के समय में एक प्रकार से जब हम डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम उसके साथ मैच नहीं कर पाता जी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम शिक्षा का स्वरूप भी बदलें। और जो हमारे देश में अभी जो NEP 2020 है वो तो हमारे देश के लिए, अगर मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि अपने देश के लिए अपने लोगों द्वारा बनाई गई आज़ादी के बाद वो पहली शिक्षा नीति है, अदरवाइज जितनी भी हमारी आज तक बनी है आज़ादी के बाद से, उनमें सिर्फ थोड़ा बहुत कटपेस्ट किया गया, मतलब एक बार किसी चीज़ को बदल दिया गया, दूसरी बार कुछ चीज़ें डाल दी गई, ऐसे करके कोई एक अपने देश के लिए अपने लोगों के लिए अपने द्वारा आज तक ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन करिए। क्योंकि हमारी पद्धति तो गुरुकुल पद्धति है कि जब हम एक संस्कार सम्मत या संस्कार युक्त शिक्षा को ग्रहण करने के, हम हमारी जो पुरानी पद्धति रही है वो हमारा पूरा सिस्टम मैकाले खत्म कर गया था,
मेघालय की रणनीति यही थी कि हम यहाँ पर लंबे समय तक राज करें और पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल दें। उसने प्रयास भी किया और आज भी हम उसके शिकार हैं। लेकिन अभी जो हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो हमको जो शुरुआती से प्राइमरी या उससे जो नया जो व्यवस्था बनाई गई है अरुण उदय या जो भी जो व्यवस्था नीचे से शुरू की गई है शिशु से, तो उसमें संस्कार युक्त संस्कारवान शिक्षा की बात की गई है। उसके साथ साथ परंपरागत शिक्षा ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम TKS, उसको IKS भी कहते हैं, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम। अभी IKS क्या है, बदल गया, अभी वो इंडियन नॉलेज सिस्टम हो गया। वैश्विक तौर पे जो भारतीय शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा है बहुत रिच है। अगर हम कहें जैसे हमारे पास आज भगवद गीता है, श्रीमद भगवद गीता, तो भगवद गीता को दुनिया में ये कहा जाता है कि वो जीवित पुस्तक है, लिविंग बुक है, अपने आप में एपिक है, मतलब एक जीवित महाकाव्य है। जो भी जिसको उसको पढ़ता है, उसके एक एक सेंटेंस को पढ़ता है या उसके एक एक पैराग्राफ को पढ़ता है, तो उसमें से अपने काम की चीज निकाल लेता है। हर आदमी के लिए वो प्रेरणा सूत्र है। जो अपनी भगवद गीता है उसको दुनिया में बहुत सारे भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है और उसको जीवित किताब कहा जाता है, लिविंग एपिक के रूप में उसको उसको पहचान मिली है। और ये वास्तव में ये हकीकत है। आप भी अगर आप कभी देखें, अभी आने वाले समय में आप अभी युवा बच्चे हैं, तो अगर आगे जाएंगे जीवन में, तो जब अभी कभी भी आपको कोई दिक्कत आए, उसे किसी एक पर्टिकुलर को अपने हिसाब से अगर देखोगे, तो एक ही श्लोक आपको आपका मार्गदर्शन कर देता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि वो पुस्तक है, दुनिया के सारे जितने भी जो हमारे धर्म है उसको आज अपने आप में उसको सभी उसको ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये हमारी परंपरा रही है। तो अभी जो हमारी नई आने वाली जो शिक्षा पद्धति है वो हमको एक नए संस्कारवान भारत की ओर ले जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि आपने मार्गदर्शन की बात की, क्योंकि आपका भी मार्गदर्शन रहा है, आपके बिना ये जो संस्थान है ये आज 450 बच्चों के साथ खड़ा नहीं होता। और वोकेशनल पे खास तौर पे कुमाऊं में अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक अलग एकमात्र कॉलेज है इस तरह का जो आपके मार्गदर्शन में, और साथ ही हमें मार्गदर्शन मिला है तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने इसको शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय पर तत्कालीन विधायक आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो अभी इस समय हमारे हैं, उन्होंने इस कॉलेज की शुरुआत में काफ़ी सहायता की थी। सर, कुमाऊं में क्या इस तरह के और कॉलेज भी खुलने चाहिए? जो व्यावसायिक शिक्षा है वो धीरे धीरे अभी अपनी सरकार भी प्रयास कर रही है, UGC भी प्रयास कर रही है, AICT जो टेक्निकल एजुकेशन को देखती है वो भी प्रयास कर रही है। तो सारे अभी ये जो व्यावसायिक और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि उनको परंपरागत शिक्षा, ये कह सकते हैं कि 6 onward कक्षा 6 के बाद से आगे की जो शिक्षा हो वो स्किल डेवलपमेंट में बेस हो और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, जिससे कि जो बच्चे का जो माइंडसेट है वो ट्रेडिशनल के बाद से सिर्फ क्लरिकल जॉब के लिए या फिर जॉब ओरिएंटेड ना होकर के जॉब देने वाला हो, देने वाला बने, ऐसा करने की पद्धति है। तो अपने स्टेट में भी ये प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत संभव है। जैसे AICT के बाद बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज की लिस्ट है, आई थिंक द लिस्ट इज मोर देन 80, या ऐसी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। तो बहुत सारे अभी आने वाले समय में इस दिशा में काम हो रहा है और अपने स्टेट में भी मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है इस दिशा में प्रयास कर रहा है, जल्दी जो है वोकेशनल कोर्सेज का एक नया स्वरूप अपने प्रदेश में भी होगा। सर, आपने अपने जीवन का पूरा समय शिक्षा के क्षेत्र को दिया है और अभी आप रिटायर्ड हैं, तो सर आपने आगे अगली पारी के लिए क्या ऐसे कुछ लक्ष्य अभी निर्धारित किए हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जितना समय आपने इस पारी पिछली पारी में दिया है उतना ही समय आप आगे भी देने वाले हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी हमने देखी है कि कहीं से भी कम नहीं रहती। पुराना हमारा जो मूल जो मानस खंड है तो उसके दोनों हिस्से हैं जी, तो उस पर भी अभी काम चल रहा है। नेपाल के साथ भी बहुत अच्छे संपर्कों में है। मैं इससे पहले अल्मोड़ा में हमने एक कॉन्फ्रेंस कराई थी, सेमिनार कराया था 3 दिन का, तो उसमें नेपाल से भी करीब 36 के आसपास लोग आए थे, फिर फैमिली भी आए थे अल्मोड़ा में। तो उन्होंने किया था अभी पिछले साल जो है अप्रैल मई में, फिर मैं भी गया था धनगढ़ी में, नेपाल की जो सुदूर पश्चिम जो यूनिवर्सिटी है उसने कराया था, तो मैं भी धनगढ़ी गया था। तो अभी इसमें मानसखंड में जो टेम्पल टूरिज्म है, जो टेम्पल टूरिज्म का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो रहा है, इस पूरे एक सर्किट बनाया जाए, जैसे अभी मंदिर माला मिशन चल रहा है अपने स्टेट का, उसको वहाँ तक भी। तो मैं भी थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, लेकिन अपने क्षेत्र में रहते हुए अपने लोगों के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, ऐसा मेरा सेवानिवृत्ति के बाद है। हाँ, शिक्षा में रहते हुए, क्योंकि अभी जैसे मैं शिक्षा से मतलब मैं अगर शिक्षा से दूर भी रहना चाहूँ तब फिर भी शिक्षा क्षेत्र मेरे को नहीं छोड़ता, कहते हैं ना, मैं जिस क्षेत्र में आप रहे हो तो किसी न किसी रूप में वो क्षेत्र आपको अपने से जोड़ने का प्रयास करता है, ये हकीकत है लाइफ। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए जब हम कोई भी कार्य करते हैं या हम जब बढ़ते हैं तो अगर हम ईमानदारी के साथ और हाँ, मेरा एक और ये भी है जैसे संदेश है बच्चों के लिए भी, कि जो सकारात्मक सोच है,
हमेशा जो सोच है ये हो सकता है कि बहुत किसी को अच्छा मिले, किसी का बुरा समय हो या कभी अच्छा रहता है और ये अप्स डाउन होते रहते हैं लाइफ में, लेकिन अगर सोच सकारात्मक है तो आदमी अपने लक्ष्यों तक समय के साथ पहुंच जाता है, ये तय है। अगर उसके लक्ष्य निर्धारित हैं, क्योंकि ये कहा जाता है ना, चार्ली चैपलिन का भी कोई एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ एक वो हैं, यात्री हैं, और हमारी यात्रा को तय करने वाला जो है वो ट्रेवल जो एजेंट है वो ईश्वर है। तो उसने तय कर रखा है कि हमारी यात्रा क्या है, हम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तय है पहले से। लेकिन हमको अपने कार्यों को ईमानदारी के साथ करते रहना चाहिए, कि कहीं निराशा हो तब भी सकारात्मक रहना चाहिए, आशावान रहना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए जीवन में। तो अगर ये अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर आपको आकर के एक समय के बाद सफलताएं मिलती हैं। और मैंने अभी ये देखा कि मैं 2020 में शुरू किया था, माननीय जो मतलब अभी वर्तमान में अपने मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्होंने और मैंने इसकी ITM को उसमें शुरुआत की थी, यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज की। आज जैसा अभी आपने बताया निदेशक महोदय ने कि भाई 450 बच्चे हैं, तो बच्चों को और कई जगह अच्छे प्लेसमेंट भी आपके हुए हैं, तो ये अच्छा अच्छा कर रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये जो कि ITM है ये अच्छा आगे मतलब अच्छी उन्नति करे अपने उसमें, और यहाँ से बच्चे अच्छी जगहों पर वो जाए। और मेरे तो ये रास्ते में पड़ता है, जब मैं पहाड़ की तरफ जाऊँ तो जब भी मौका मिलेगा मैं आता रहता हूँ। बिल्कुल सर, आप तो आज भी ये मौका मिला तो बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन हो गया, ये जानकर प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म भी आपने खोल लिया है वोकेशनल में, तो उन्हीं बच्चों के साथ मेरा अभी इंटरेक्शन भी हो गया और बच्चे भी हो गए, अच्छा लगा। सर जैसे आपने कहा कि यात्राएं की बात की आपने, सफलता की बात की, चुनाव का दौर चल रहा है सर, और मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का इस दौर से अछूता नहीं है, और यात्राएं भी बहुत चल रही हैं, गोष्ठियां भी बहुत चल रही हैं, बड़े बड़े मंच सज रहे हैं, तो एक आम नागरिक, एक आम वोटर के अगर मद्देनज़र देखा जाए तो आप किस तरह की सरकार चाहते हैं, निष्पक्ष रूप से इसके बारे में बताएं। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, सरकारों का प्रश्न है, ये तो इस रूप पर इस पर निर्धारित करता है कि आज अगर हम ये देखें जो वर्तमान हमारी जो सरकार है, जो जिसके दो उनके उन्होंने टर्म पूरे कर लिए हैं जो, और माननीय अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तीसरे टर्म की ओर करीब करीब बड़े हुए, मतलब निश्चित बड़े हुए हैं। तो ये जो अभी वर्तमान में आज़ादी के बाद पहली बार देश के लिए सोचने वाले लोग, क्या क्या अभी अगर हम देखें तो अमेरिका अमेरिका की तरीके से सोचते हैं उनके लोग, चाइना के लोग चाइना के हिसाब से सोचते हैं, जापान के जापान के विचार से सोचते हैं। ये भारतीय एकमात्र देश था आज जो मैकाले उनको बुद्धि में भर के गया था कि उनको विकृत करके गया था, उसके आधार पर हम बिखरे हुए है ना। तो इससे क्या था, टूटा हुआ भारत दिखता था हमको। आज ये पहली बार विश्व में, ये हम भी मानते हैं, हर एक युवा मानता है बिल्कुल, और एक आम आदमी भी मानता है, तो ये कहने को तैयार है कि आज हम, मेरे कुछ मित्र ऑस्ट्रेलिया में है, तो जब पिछली बार ये पहले टर्म की बात है तो उनसे मेरा बातचीत हुई थी, तो मैं तो वो ये कह रहे थे कि अब हमको अपने विदेशों में भी सम्मान की नज़र से देखा जाता है। जब हम जाते हैं तो ये कहा जाता है नहीं ये लोग इंडियन है। पहले क्या था कि हमारे प्रति चाहे अमेरिका में है जर्मनी में है तो थोड़ा सा कमजोर दृष्टि रहती थी, लेकिन अब उस दृष्टि में परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन का कारण सिर्फ ये है कि भारत का जो एक मानस था, मन था, भारत का जो मन है वो बदल गया है। उस मन के अंदर इच्छा शक्ति है, संघर्ष करने का और चीज़ों को प्राप्त करने की क्षमता है आज भारत के अंदर। पहले ऐसा नहीं था, भारत विश्व के सामने झुकता था, आज वो झुकाने की स्थिति में है। ये तभी संभव है जब हमारे देश में एक मजबूत सरकार है, और इसलिए अभी भी केंद्र में लोगों को मजबूत सरकार बनानी चाहिए। वो मजबूत सरकार सिर्फ और सिर्फ अभी जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के नेतृत्व में बन सकती है। उसका और कोई अल्टरनेटिव देश के पास आज अभी नहीं है, आज तक नहीं है, अभी तक है ना। ये मेरी ओर से, तो मेरी तो ये मतलब युवाओं के लिए भी, इनके लिए भी ये रहेगा संदेश से कि भाई आप अपना ये सोचें और एक मजबूत सरकार की तरफ बढ़ें। तो मजबूत सरकार कौन देने में सक्षम है वो देखें, उस हिसाब से निर्णय करें, तो जो देने में सक्षम है उस तरफ अपना वोट कास्ट करें। युवाओं के मन में जो बात है वो निश्चित रूप से वोट के माध्यम से पहुँचेगी और सरकार बनेगी। सर एक, क्योंकि आपने काफ़ी समय पहले इस कॉलेज की शुरुआत की थी और आज आपने आज का जो एक कॉलेज का स्वरूप देखा है या मैं कहूँ बनाया है, आप एक अंतिम सवाल था आपसे कि सवाल का एक संदेश होगा कि बच्चों के लिए जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे, जो यहाँ से प्लेसमेंट ले चुके हैं या जो अभी आने वाले हैं, उनके लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें जिससे वो सही चुनाव कर सकें
अपने भविष्य के लिए भी, अपने रोजगार क्षेत्र के लिए भी, और अपने परिवार के लिए भी, अपने फ्यूचर के लिए भी। धन्यवाद कमल। खटीमा जैसे स्थान पे एक प्रकार से अपना पहाड़ का ही जुड़ा हुआ क्षेत्र है, पहाड़ से ही, और मिक्स इसमें पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक प्रकार से बहुत विकसित समाज नहीं है हमारा। उसके बीच में रहते हुए खटीमा में कोई व्यावसायिक शिक्षा का कोई केंद्र हो और वो बच्चों को अपने पास शिक्षा दे के अपनी मेहनत कर रहा हो और बच्चों को प्लेसमेंट के लिए भी पूरा प्रयास कर रहा हो। आज का युवा यही चाहता है कि उसको कहीं कहीं पर प्लेसमेंट मिल जाए, कहीं ना कहीं पर उसको जब वो निकल रहा हुआ डिग्री लेके तो उसके हाथ में कोई जॉब हो, इनिशियली स्टार्ट करने के लिए हो। तो मुझे लगता है कि KITM उसमें सफल है। और बच्चे, जहाँ तक मेरा ये मानना है कि युवाओं को, क्योंकि मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है जी, युवा जो भी छात्र है, क्योंकि सफलता तभी मिलती है। ऐसा होता है ना, एक वो कहते हैं मेधा मोहताज नहीं होती है, मेधा मोहताज नहीं होती, जिसके अंदर बुद्धि विवेक होता है वो मोहताज नहीं होता है, वो अपने रास्ते निकाल लेता है जी। तो इसलिए जो बच्चों के अंदर जो मेधा होगी वो निकालने में KITM मदद करेगा और वो अच्छे अपने रूप में अच्छे अपने को विकसित करते हुए बच्चे बाहर निकलेंगे। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है ना कि शिक्षा तो अंदर समाहित है, उसको सिर्फ जो माध्यम होता है वो शिक्षक होता है या विद्यालय होता है, उस शिक्षा को हम बाहर निकालते हैं जी। वो तो ऑलरेडी है। उनका कहना ये था कि न्यूटन जो ने जो कहते ना सेव गिरते हुए देखा ये था, उन्होंने बोला नहीं, वो तो उनके अंदर था कि वो सेव की जो प्रक्रियाएं होनी थी उनको, विवेकानंद जी कहते हैं कि न्यूटन को वो सारी प्रक्रियाएं पहले से नहीं थी उनके अंदर, उसके सोच रहे थे, वो दिखा, वो तो माध्यम बना खाली, तो वो बाहर निकला। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जोड़ी, उस समय तक जिन लोगों ने काम कर लिया था उसको जोड़ा और ग्रेविटेशनल फोर्स जी उन्होंने निकाल लिया। बिल्कुल। तो इसलिए सब कुछ अपने अंदर निहित है, उसको निकालने की जरूरत है। और जब हम उसको निकाल लेते हो, परफेक्शन है मतलब, तो वो उसको पूर्णता करने के लिए ये होता, तो ऐसा बच्चे आगे अच्छा कार्य करें, अच्छे आगे बढ़ें, तो यही मेरा उनके लिए संदेश है, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत। और इस इंस्टीट्यूट के को भी, और विशेष करके आपको भी, आप काफ़ी ऊर्जावान हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से कार्यों को आगे संपादित कर रहे हैं, तो आपको भी ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं कि आप निरंतर प्रगति करें और खटीमा जैसे स्थान में इस बातों को, इस शिक्षा के इस सोच को और आगे बढ़ाएं और सफल रहें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। आपको पिथौरागढ़ निकलना भी है अभी, और आपका आशीर्वाद बनाए रखेंगे सर। आप हमें जितने दिशा निर्देश हैं, आप हमारे जितने रास्ते हैं उनको प्रशस्त करते रहें, इसी अभिलाषा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। धन्यवाद।